हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पे देखेंगे पेंशन धारकों के लिए खाते में आया 8 लाख रुपए का जो है एरियल, आप भी अपना एरियल मंगवाएं तो क्या अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, सब कुछ लेकर के यहां पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। हमारे इस चैनल पर बने रहिए। पेंशन धारकों को खुशखबरी, 8 लाख रुपये एरियल आया खाते में, आप भी अपना जो है बकाया एरियल जो है मंगवा सकते हैं अपने खाते में। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण सरकार की उच्च प्राथमिकता है और पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जो है DOPPW पेंशन अदालतों का आयोजन कर रहा है, जिसमें मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर आपकी कुछ शिकायत है तो आप सबसे पहले आप जो है अपना CPENG RAMS पोर्टल पे शिकायत आप दर्ज कराएं और पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आप जो है अपना बकाया एरियल मंगवा सकते हैं। 20 साल के लंबे समय यहाँ पे देख सकते हैं, संघर्ष के बाद मिला पेंशन का एरियल, 7 साल बाद संशोधित PPO मिला, आजीवन पेंशन बकाया लाइफ टाइम एरियल का भुगतान। असम राइफल्स द्वारा जो है आजीवन पेंशन बकाया का भुगतान, पारिवारिक पेंशन जारी और 8 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम मिला है। तो देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे बने रहिए। इसके पहले जो पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था, वे लंबित पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित था और इस पेंशन अदालत में पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान किया गया। 100 दिनों से अधिक समय से लंबित 105 पेंशन भोगियों की शिकायतों को विचार विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त पारिवारिक पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के मामले शामिल थे। और इस पेंशन अदालत में जो है 105 मामलों में से 85 मामलों का जो है मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस पेंशन अदालतों में लाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों ने जिसमें शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया और वे इस प्रकार यहाँ पे हैं। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला पेंशन का एरियल, श्रीमती अनीता कनिक रानी स्वर्गीय भगवान की पत्नी है, जो भगवान दास की मृत्यु 13/6/2003 को हो गई थी, लेकिन दावा प्रस्तुत करने के बावजूद भी उन्हें CPWD ने उनकी पत्नी को पति की पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया स्वीकृति नहीं किया था। जीवित सदस्य प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के नाम पर उन्हें जो है पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया गया था। उन्हें 5/12/2023 को पोर्टल पे बता देते हैं कि अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत 22/2/2024 को पेंशन अदालत में जो है विचार किया गया, फिर संबंधित विभाग की सूचित किया गया कि 22/2/2024 को श्रीमती अनीता कनिक रानी के नाम पर PPO जारी किया गया है और उन्हें लगभग 22 लाख रुपए का एरियल मिलेगा। अब देखते हैं 7 साल बाद जो संशोधित एरियल के बाद श्रीमती निर्मला देवी दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त स्वर्गीय किशन सिंह की पत्नी हैं और श्रीमती निर्मला देवी ने 7वीं CPC के अनुसार जो है PPO संशोधित करने की बकाया प्राप्त करने के लिए 2016 में लगातार प्रयास किए और वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई। हालांकि उन्हें 30/9/2022 को जो है CPENG RAMS पोर्टल पर जाकर वहां पर शिकायत दर्ज की और उनकी शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया गया। संबंधित विभाग ने जो है सूचित किया कि 7वीं सी
पीसी के अनुसार संशोधित पीपीओ 5/4/2024 को जारी किया गया। बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा इनका। आजीवन पेंशन बकाया लाइफ की बात करें यहाँ पर भुगतान की, तो श्रीमती गीता देवी की यहाँ पे बीएसएफ के दिव्यांग सीटी जीडी कुमार चंद्र सिंह की मां और कुमार चंद्र सिंह की मृत्यु 9/11/2005 को हो गई थी। श्रीमती गीता देवी अपने पीपीओ को 7वीं सीपीसी के अनुसार संशोधित कराने के साथ साथ 2016 के पेंशन बकाया पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्हें 21 नवंबर 2022 को जो पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी उनमें मामले में पर पेंशन अदालत के दौरान जो है चर्चा की गई, तो बीएसएफ ने जो है बताया कि संशोधित पीपीओ 9/2/2024 को सीपीएओ को भेज दिया गया है और जल्द ही पेंशन बकाया मिल जाएगा। असम राइफल्स द्वारा आजीवन पेंशन बकाया का भुगतान पारिवारिक यहां पे देख सकते हैं। श्रीमती मसूरी देवी अप्रैल 2022 से असम राइफल से पारिवारिक पेंशन आजीवन भर बकाया राशि प्राप्त करने के लिए श्रीमती मसूरी देवी कड़ी मेहनत कर रही हैं और 13/6/2023 को शिकायत दर्ज भी की। उनके मामले पेंशन अदालत में चर्चा के लिए उठाया गया। असम जो है राइफल्स ने बताया कि दावेदार का नाम अलग होने के कारण पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं हो सकी। हालांकि सीपीएओ ने 4/1/2024 को यसएस से जारी किया कर दिया है। बकाया पेंशन का भुगतान नेपाल दूतावास के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से रहा, अब 8 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम मिलता है तो श्रीमती सुप्रिया शैलजा और स्वर्गीय रजनीश यादव की पत्नी हैं और स्वर्गीय रजनीश यादव की मौत 26/7/2017 को मृत्यु हो गई और इस बार मेडिकल क्लेम जमा करने के बावजूद उनके दावे की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। 13/6/2023 को जो है शिकायत भी दर्ज करवाया गया, मामला पेंशन अदालत में उठाया गया और विभाग द्वारा बताया गया कि उन्हें 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और 3 लाख रुपए का दावा प्रक्रिया के अधीन है। तो इस तरह से रहा दोस्तों, अगर आपको इस तरह का जो नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।